हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन ए लेटर टू गॉड फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन दिस एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ए लेटर टू गॉड लेसन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्लास 10th यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में आया है, दोनों बोर्ड के सिलेबस में है। तो सुनिए बहुत ध्यान से और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाता हूँ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। घर पूरी घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटी पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से एक इंसान नदी देख सकता था और पके हुए मक्के के फसल फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर और एट लीस्ट ए शावर। यहाँ की धरती को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, बारिश की या हल्की फुल्की फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेत को बहुत करीब से जानता था, उसने कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ उत्तर पूर्व के बादलों को ही देखा था। फिर आगे सुनिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। एक औरत कहती है, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिल जाएगा। मतलब वो बारिश के पानी की बात करती है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। एक और औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी होगी तो मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के समीप खेल रहे थे, जब तक कि औरत ने या महिला ने उन सबको बुलाया नहीं। क्या बोली वो औरत, सुनिए। कम फॉर डिनर, आ जाओ रात के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो भोजन का समय ही था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्राफ्ट ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी घर से बाहर किसी अन्य कारण के लिए नहीं निकला, बल्कि अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने के लिए निकला। यहाँ आदमी का मतलब लेंचो की बात हो रही है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौट के आया तो उसने आश्चर्य से कहा, क्या कहा, दीज अरेंड एंड ड्राफ फॉलिंग फ्राम द स्काई, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्राफ्ट आर 10 सेंट पीसेस, बड़े वाली बूंद 10 सेंट पीस के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली बूंद जो है 5 सेंट्स के बराबर है। यहाँ पर लेंचो ये बताना चाहता है कि बारिश की बूंद कितनी इम्पॉर्टेंट होती है किसानों के लिए। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। बहुत ही संतुष्टि के भाव के साथ उसने अपने
पके हुए मक्के के फूलों वाले खेत को याद किया जो बारिश की चादर से ढक गए होंगे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एलंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये जो ओले थे वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू रेन टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, लड़के अपने कपड़े उतार करके बारिश में दौड़ पड़े उस जमी हुई मोती जैसी बर्फ को कलेक्ट करने के लिए, बिनने के लिए। अक्सर जब बर्फ गिरती है तो लोग बिनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य से कहा, यह बहुत बुरा हो रहा है। आदमी का मतलब लेंचो ने। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं समाप्त हुआ, मतलब ओला गिरता ही रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, एक घंटा तक ये ओलावृष्टि घर पर, बगीचे में, पहाड़ों के आसपास, मक्के के खेत में और पूरी घाटी में ये ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था मानो नमक से ढक गया था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक पत्ता सलामत नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा टिड्डियों का अगर अटैक होता तो भी इससे ज़्यादा बच जाता। अक्सर करके खेतियों को टिड्डी दल बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कह रहा अगर टिड्डियों का भी अटैक होता तो इससे ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरफुल वन, वो रात बहुत ही दुखद रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे कार्यों का कोई नतीजा नहीं निकला। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ए लेटर टू गॉड का पहला पार्ट आपको बता दिया और जल्द ही मैं आपको दूसरा पार्ट बता दूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।